हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सीपीएल 2022 के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा बारबाडोस रॉयल्स वर्सेस सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बीच में गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम के अंदर 21 सितंबर को शाम के 7:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है फैन कोड के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में, तो वैसे तो जो ये मैदान है ना, इस साल के सीपीएल के अंदर पहली बार कोई मुकाबला होस्ट करेगा, लेकिन फिर भी जो गयाना की पिच है जनरली बल्लेबाजी के लिए अच्छी नहीं होती, और फिर एक बार जो गेंदबाज है ना, उन्हीं का पलड़ा भारी रहेगा इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं बारबाडोस रॉयल्स की टीम के बारे में, जो कि अपने 8 में से 7 मुकाबले जीत चुकी है और इस टीम ने कंफर्म कर लिया कि ये प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन दिक्कत की बात ये है ना कि डेविड मिलर और क्विंटन डीकॉक, ये दोनों बचे मुकाबले नहीं खेलने वाले, ये इंटरनेशनल ड्यूटी पे जा चुके हैं। इस वजह से जो बल्लेबाजी इस टीम की वो काफी ज्यादा कमजोर होने वाली है। इन दोनों ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया था, ये देखने वाली बात होती है कि इन दोनों के जाने के बाद इनकी बल्लेबाजी खुद को कैसे संभाल पाएगी। फिर एक बार काइल मेयर्स पे निगाह होने वाली है। ओपन करते हुए काइल मेयर्स ने काफी कमाल का प्रदर्शन किया, वो कंटिन्यू करना चाहेंगे, लेकिन उनके अलावा ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं है जो कि बड़ी पारी खेल पाया उस टीम के लिए। रहीम कॉर्नवॉल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओपन करते हुए रहीम कॉर्नवॉल भी एक बहुत बड़े प्लेयर है इस टीम के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ गेंदबाजी के बारे में, तो जेसन होल्डर ने काफी कमाल का प्रदर्शन किया है, 12 विकेट निकाल चुके हैं। साथ ही में इस मुकाबले में वो बल्लेबाजी के अंदर भी कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। ओबिन मकॉय का प्रदर्शन भी काफी शानदार है, उनको 13 विकेट मिले हैं, एक बहुत ही कमाल के लेफ्ट आर्म सीमर है, फिर एक बार उन पर निगाह होने वाली है। और मुजीबुर रहमान भी जब से टीम में आया ना, बहुत ही कमाल खेले। यहाँ की जो पिचेस हैं वो मुजीबुर रहमान को सूट भी करेंगी, तो जरूर से गेंदबाजी काफी डिसेंट है बारबाडोस की टीम की। प्लेऑफ के लिए टीम क्वालिफाई कर चुकी है, पर यह बात देखने वाली होगी कि टीम मिलर और डीकॉक के अलावा बल्लेबाजी में कैसा करती है। अब मैं आपसे बात करता हूं सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बारे में, जिनके लिए बचे हुए दोनों मुकाबले डू और डाई होने वाले हैं। ये भी कंफर्म नहीं है, वो दोनों मुकाबले जीतेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन ये बात तो कंफर्म है अगर वो एक भी मुकाबला हारे ना, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता ये टीम इतने मुकाबले हार कैसे गई। मेरे हिसाब से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है टूर्नामेंट की। बल्लेबाजी के अंदर एंड्रे फ्लेचर, इवन लुइस, डेविल ब्रेफिस, शर्फिन रदरफोर्ड जैसे प्लेयर हैं इस टीम के अंदर, लेकिन फिर भी ये टीम बल्लेबाजी में अच्छा कर नहीं पाई। ऐसे टॉप 4-5 बल्लेबाज होना किसी भी टीम के लिए ड्रीम की बात है। देखते हैं इस मुकाबले के अंदर ये लोग कैसा कर पाएंगे, पर बल्लेबाजी काफी स्ट्रॉन्ग है इस टीम की। डीजे ब्रावो के रूप में एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर भी है, जो कि चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, दोनों डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर गेंदबाजी में आपके पास राशिद खान है, शेल्डन कॉटरेल है, अकीला धनंजिया है, तो इसे अच्छी गेंदबाजी आपको खाई मिलेगी। तो बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज भी है सेंट किट्स के पास में। टीम के लिए डू ऑर डाई मुकाबला है और ये टीम इस मुकाबले में जीतना चाहेगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी बारबाडोस, वो टीम होगी सेंट किट्स। अब बताओ मुझे कमेंट करके, और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली है क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरी पिक होने वाली इस मुकाबले के अंदर सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स। मेरे को लगता है उनके लिए डू ऑर डाई मुकाबला है और उनके पास बहुत ही अच्छी टीम है इस मुकाबले को जीतने के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।